हेलो टू ऑल तो आज हम पढ़ने वाले हैं द वाई शेफर्ड शेफर्ड मीन्स कौन होता है बेटा चरवाहा आपने कभी चरवाहा वर्ड सुना है नहीं पता होगा आई थिंक ना तो कोई बात नहीं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं ना तो उनको हम शेफर्ड वर्ड बोलते हैं ओके सो अबाउट द लेसन दिस इज द स्टोरी ऑफ अ वाई सर्वेंट ऑफ एन अबॉट हु केम किंग सो दीडम टूर तो इस स्टोरी किसके बारे में है एक वाइज सर्वेंट के बारे में है वाइज मैंने बताया था आपको जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको वाइज वर्ड यूज किया जाता है तो ये वाइज सर्वेंट है कहाँ का अबॉर्ड का जिसने अपने मास्टर को फ्री कराने के लिए एक चीज करी वो क्या थी किंग के आगे क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करके उसके बीच में डिस्टिंग्विश करके उन आंसर को बहुत प्रेजेंटली अच्छे तरीके से बताया ओके, स्टार्ट द चैप्टर। अबाउट हंड्रेड इयर्स एगो नेम्ड डेविड रूल्ड ओवर इंग्लैंड ही वॉज नॉट अ रिनोव रूलर ही यूज्ड टू हेट हु और पावरफुल सस्पेक्टेड द लॉयलिटी ऑफ सच पीपल एंड ऑलवेज ट्राइड टू फाइंड अ फॉल्स एविडेंस टू अक्यूज दैम ऑफ सम क्राइम सो दैट दे आर वेल्थ एंड पावर केम इन हिज हैंड तो ये बात है सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो पहले की बच्चे तो किंग जिसका नाम क्या था डेविड जो इंग्लैंड का रूलर था और इंग्लैंड को रूल करता था ही वॉज नॉट अ रिनोड रूलर वो कोई ऐसा रूलर नहीं था जिसको जनता ने अपनी मर्जी से बिठाया हुआ था ऐसा कोई रूलर नहीं था लेकिन वो था तो किंग ही ना तो वो किन लोगों से नफरत करता था जो उससे ज्यादा वेल्थ में और पावर में बड़े हैं उन लोगों से वो नफरत करता था और द लॉयल्टी ऑफ सच पीपल कैसे लोगों को क्या करता था वो झूठे फॉल्स एविडेंस बनाकर उनको एक्यूज बनाकर क्या करता था किसी भी तरह का क्राइम या सस्पेक्ट बनाकर उनकी वेल्थ और पावर को अपने हाथ में ले लेता था वन डिज द किंग गॉड द न्यूज दैट द प्रेस्ट ऑफ कैंटरबरी एबोर्ट वॉज रिचर देन हिम बिसाइड्स इट ही हैड मोर सर्वेंट्स देन द किंग एंड स्पेंड मोर मनी कंपेरेटिवली हिम ही बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड कोल्ड फॉर द प्रेस्ट एक दिन की बात है जब राजा को ये खबर मिली कि जो प्रेस्ट है कहाँ का प्रेस्ट है वो कैंटब्री का प्रेस्ट कैंटाबरी का जो प्रेस्ट है एबॉट वो एक बहुत रिचर मैन है जो राजा से भी बहुत बड़ा है है ना मतलब उसके पास दौलत में वो राजा से भी बड़ा है और ही हैड मोर सर्वेंट और जो उसके नौकर चाकर हैं वो भी राजा से ज्यादा है और ज्यादा ही वो पैसे भी खर्च करता है राजा के अकॉर्डिंगली मतलब अगर हम कंपैरेटिवली देखा जाए तो राजा से ज्यादा पैसे भी वो स्पेंड करता रहता है और वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस था ही बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड कॉल्ड फॉर द प्रीस्ट तो उसने क्या करा वो बहुत फ्यूरियस हो गया उसको बहुत मतलब उत्सुकता हो गई कि अब उसको प्रीस्ट को बुलाया जाए ही आस्क्ड अबाउट अबाउट हिज वेल्थ अब उसने क्या पूछा प्रीस्ट को बुलाकर उसकी वेल्थ के बारे में पूछा द प्रीस्ट सेड That he is a priest and money is not his concern. This made King John very angry, and he ordered to cut off his head if the priest would not answer his questions. So kya priest priestko bulaya or pressne priest se The priest said कि ही इज अ प्रेस्ट एंड मनी इज नॉट हिज कंसर्न वो क्या है वो राजा वो एक प्रेस्ट है पुजारी है और मनी से उसका कोई कंसर्न नहीं है पैसा उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है ही मेड किंग जॉन वेरी एंग्री और क्या किया जॉन जो था उसको गुस्सा दिला दिया ऑर्डर कर दिया कि उसका जो हेड है उसको कट ऑफ कर दिया जाए और काट दिया जाए द प्रेस्ट विड नॉट आंसर द क्वेश्चन अगर जो प्रेस्ट है वो उसका आंसर नहीं देता है तो अबॉट गॉट क्वाइट डिस्टर्ब अब जो अबॉट था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ही डिड नॉट नो वट टू से क्या कहना चाहिए उसको ये पता ही नहीं था वाई शुड ही कट ऑफ हिज हैड Only for having more riches than the king, तो सिर्फ इसलिए कि वो राजा से ज्यादा अमीर है इस वजह से उसका हेड अलग करना इट्स नॉट द गुड थिंग ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ही नेवर डिड स्टीलिंग ऑफ हिज एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प द पुअर वो क्या कहता क्या कहना चाहता है कि उसने तो कभी किसी को धोखा भी नहीं दिया हमेशा किसी के किसी के जो स्टीलिंग होती है कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचा चोरी भी नहीं की हमेशा टैक्सेस भी पे किए हैं गरीब लोगों की हेल्प भी की है नीडी पीपल की हेल्प की है तो स्टिल द किंग वॉन्टेड टू कट ऑफ हिज हेड फिर भी राजा मेरा सर अलग करना चाहता है देन ही प्रिपेयर टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ द किंग ही द किंग किया कि अपने आप को तैयार किया कि मैं राजा के क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और ही लुकड एट द किंग एंड सैड और उसने राजा को देखा और बोला क्या बोला अबॉट एबॉट और किंग के बीच में बेटा एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया है तो कन्वर्सेशन हम वन बाय वन पढ़ेंगे अबॉट बोलता है योर मेजेस्ट्री वे मे आई नो योर क्वेश्चन आई होप यू आर नॉट पासिंग ह्यूमेरियस जोक फॉर टू मी उसने पूछा अबॉट ने बोला योर मेजेस्ट्री मेरे मतलब सरताज क्या मैं जान सकता हूँ वो क्वेश्चन क्या है आ, मुझे मैं आशा करता हूँ कि आप कोई मेरे साथ जोक तो नहीं कर रहे कोई ऐसा हुमेरियस जोक तो नहीं कर रहे जो इंटेलिजेंसी से बिलोंग करता हो किंग बोलता है जोकिंग नो 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 आई डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर यू ऑट टू बी स्किल्ड अब यहाँ पे बोला जाता है किंग क्या बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ जॉक कर रहा हूँ नो 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 आई डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे पास क्या है आई डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ जोकिंग क्रैक कर रहा हूँ यू ऑट टू बी स्किल्ड बी वाइज बट यू ऑट नॉट टू बी रिच आई रियली वॉन्ट टू कट ऑफ योर हैड इफ यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन आर यू रेडी अब बोलता है उसको कि मेरे साथ मैं आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और तुम तो उससे ज्यादा रिच हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सर अलग कर दिया जाए अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तो तुम इस चीज के लिए रेडी हो अबोर्ड बोलता है, येस योर मेजस्टी वो बोलते हैं हाँ ठीक है उसको राजा को क्या बोलता है येस yes में आंसर देता है किंग बोलता है माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वर्थ एम आई आंसर मी एक्यूरेटली नॉट पेनी मोर नॉट अ लेस उससे क्वेश्चन क्या पूछता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि ये बताओ मेरे पास एक्यूरेट कितना पैनी है पैनी मतलब कितने पैसे हैं ना वो आपको ज्यादा बताने हैं ना ही कम बताने हैं अबॉर्ड बोलता है हाउ मच वर्थ आर यू ओ प्लीज आस्क यूर नेक्स्ट क्वेश्चन सर अब वो पूछता है कि मतलब सर आपके वर्थ के बारे में वो फिर कंफ्यूज हो जाता है और वो क्या करता है प्लीज आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए ओके okay? फिर किंग का टर्न आता है हाउ मच टाइम विल आई टेक टू राइड अराउंड द वर्ल्ड एंड वॉट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये बोलता है कि ये बताओ मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगाने में कितना टाइम लूंगा हाउ मच टाइम विल आई टेक टू राइड अराउंड द वर्ल्ड और नेक्स्ट क्वेश्चन इज और मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है अबॉट ओ माई लॉर्ड दे दीज आर वेरी टफ क्वेश्चन आई कांट आंसर दैम इमीडिएटली प्लीज गिव मी सम टाइम अब अबॉट ने उससे क्या कहा थोड़े से टाइम की रिक्वेस्ट मांगी कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिए क्योंकि दीज आर वेरी टफ क्वेश्चन तो आई कांट आंसर दैम इमीडिएटली किंग बोलता है ओके अग्रीड किंग ने उसको ओके okay बोला और अग्री हो गया आई गिव यू थ्री वीक्स इन टू आंसर दीज क्वेश्चन्स और बी प्रपेयर फॉर हैवन्स मतलब उसने क्या बोला कि मुझे मेरे तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए विद इन थ्री वीक्स ठीक है तो अबॉट बोलता है ओ थैंक यू वेरी मच माई लॉर्ड और उसको क्या बोलता है थैंक यू बोलता है द किंग रोज एंड लेफ्ट द चैंबर अब किंग क्या करता है वहां से खड़ा हुआ और अपने चैम्बर को छोड़ के चला जाता है जो जेलस कर्टियर्स थे जो उसके जेलस कर्टियर्स थे वो बहुत अनहैप्पी हो गए मतलब ऐसा था कि वो खुश तो थे बट अबॉर्ड लुकड वरिड मतलब वो चाहते थे कि अच्छा है इसको थ्री वीक्स का टाइम मिला है और ये प्रिपेयर कर ही नहीं पाएगा अपने आप को और फिर वो हम इस चीज को देखेंगे कि किस तरह से इसका सर अलग किया जाए और वो सब बड़े खुश थे जबकि जो अब था वो बहुत चिंता में पड़ गया था नाउ ही वॉज मेंटली रेडी टू डाई ही स्टार्टेड सेटलिंग ऑल ऑफ हिज अफेयर्स ही केम बैक होम एंड मेट वन ऑफ हिज शेफर्स नियर द होम अब वो जो अबार्ड था वो बहुत बहुत सोच में पड़ गया और वो जब वहाँ से कोर्ट से निकल रहा था तो बहुत उसका दिल टूटा हुआ था डिसहटली हो गया था वो अब वो क्या करता है कि मैनी वाइज पीपल से फाइंड आउट करता है उन क्वेश्चन के बारे में जानने के उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने में लेकिन उसको कोई हेल्प नहीं मिलती लेकिन अब वो क्या हो गया था कि अब वो मेंटली भी प्रिपेयर हो गया था कि मुझे तो लगता है मरना ही है और अब मेरे को राजा मारेंगे ही क्योंकि मैं उनके क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाया तो जाते हुए वो अपने घर वापस जाते हैं और रस्ते में उनको क्या दिखता है फिर वो बाद में एक शेफर्ड नियर द होम उनके घर के पास में एक शेफर्ड रहता था उससे उसकी मुलाकात होती है अब शेफर्ड और एबॉट के बीच में कन्वर्सेशन किस तरह से होता है वो हम देखते हैं शेफर्ड वेलकम लॉर्ड वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग We missed you very much. Is there any news for the court of the king? अब वो क्या बोलता है शेफर्ड को तो कुछ पता ही नहीं था वो तो अपने अबॉर्ड को वेलकम बोलता है कि लॉर्ड वेलकम आप आ गए बहुत अच्छी बात है और काफ़ी टाइम से आपको देखा ही नहीं था हम आपको मिस भी बहुत कर रहे थे लेकिन कोई आपको कोई न्यूज़ है क्या कोर्ट से या किंग से क्या किस तरह की कोई न्यूज़ पता चली है तो अबॉर्ड बोलता है आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़ मेरे पास तो एक बहुत दुखद समाचार है माई डियर फ्रेंड आई एम डिस्टिंग टू डाई इन अ डे कि मैं कुछ दिनों में मरने वाला हूं और टू मतलब एक दो दिन के अंदर ही मेरी मौत हो जाएगी या मुझे मार दिया जाएगा शेफर्ड बोलता है वट आर यू सिंग सर टू डाई बट वाई आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट वो एकदम हैरानी से शेफर्ड पूछता है आप क्या कह रहे हो सर मरना तो ये तो मुझे क्यों किस रीजन से और ये मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट अबाउट बोलते हैं द किंग आज मी थ्री क्वेश्चन बट आई हैव नॉट फाइंड द आंसर येट किंग ने मुझसे तीन क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन मैं अभी तक उनका जवाब नहीं दे पाया हूँ ही सैड इफ आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आंसर टू हिज क्वेश्चन ही वुड कट ऑफ माई हैड सो आई एम मेंटली गेटिंग रेडी रेडी टू डाई एज ओनली टू डेज आर लेफ्ट एंड आई हैव नॉट फाउंड एनी ऑफ द आंसर्स तो वो बताता है सारी बातें किंग कि ने किस तरह से उससे तीन क्वेश्चन पूछे हैं और अभी तक उसको वो आंसर नहीं मिले हैं तो राजा मुझे डेफिनेटली मेरे हेड को कट ऑफ कर देगा और अब इसलिए आई एम मेंटली भी प्रिपेयर हो चुका हूँ कि मुझे मरना ही है एक दो दिन के अंदर तो लेफ्ट आई हैव नॉट फाउंड एनी ऑफ द आंसर शेफर बोलता है वट इज द प्रॉब्लम देन आई कैन आंसर सर थ्री हंड्रेड तो शैफर्ट बताता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई सर ये चीज़ें तो आगे मैनेज हो जाएंगी अब मैं इस चीज़ों के आंसर दे सकता हूँ गिव ऑल योर वरीज टू मी ये अपनी सारी चिंताएँ आप मुझ पर ही डाल दीजिए एंड लेट मी चेंज इन टू योर क्लोज आई विल गिव अ ग्रेट लेसन टू द किंग डोंट बी वरीड सर अब वो बताता है कि सर आप चिंता मत कीजिए आप मेरे साथ अपने कपड़ों को एक्सचेंज कर लीजिए आप मेरे कपड़े पहन लीजिए मैं आपके पहन लेता हूँ और आई विल गिव अ ग्रेट लेसन टू द किंग और किंग को मैं एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा मतलब एक अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा डोंट बी वरीड सर और आप चिंता मत कीजिए बोथ द शेफर्ड एंड द अबॉट चेंज देयर क्लोथ बोथ क्लोजली रिसेंबल्ड ईच अदर नाउ द शेफर्ड वॉज रेडी टू लीव फॉर द किंग्स कोर्ट एज प्रेस्ट। अब शेफर्ड और एबॉर्ड दोनों एक जैसे दिखते थे उनका जो ड्रेसिंग सेंस और या फिर ड्रेसिंग तो उन्होंने चेंज कर लिया था लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो ज्यादातर सिमिलर थी और इसी वजह से वो पता था उसको कि मुझे कोर्ट में कोई पहचान नहीं पाएगा तो किंग के कोर्ट में वो चला गया ऑल द कर्ट्रियर्स गैदर्ड इन द किंग्स कोर्ट एंड द शेफफर्ड ऑल्सो अपियर दे इन द रो ऑफ टिटी द किंग ऑल द कर्टियर्स इन हिस्स ऑनर द किंग स्टार्टेड दर्क ऑफ द कोर्ट आफ्टर सिटिंग ऑन हिज थ्रोन क्या उसके बाद जितने भी कर्टियर्स थे सब गैदर हो गए किंग्स के कोर्ट में और शेफफर्ड भी वहां पर आ गया लेकिन शेफफर्ड कोई को भी आइडेंटि नहीं कर पाया मतलब कोई भी पहचान नहीं पाया वहां पर राजाए और सभी कर्टियर्स थे तो सबके सब वहां पर बैठे हुए थे राजा ने क्या किया राजा ने अपना काम करना शुरू किया मतलब कोर्ट के अंदर आ गया और अपने जो सिंहासन थ्रोन ठीक है सिटिंग ऑन हिस थ्रोन का मतलब होता है अपने सिंहासन पर बैठ गए किंग नाउ आर यू रेडी टू आंसर ऑल माई क्वेश्चन तो अब क्या राजा पूछता है कि अब तुम तैयार हो मेरे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए दिस टाइम आई एम नॉट रेडी फॉर एनी एक्सक्यूज इफ यू डोंट हैव आंसर टू माई क्वेश्चन गेट रेडी टू डाई तो उस राजा ने बोला कि अब की बार मैं आपको कोई भी एक्सक्यूज देने वाला नहीं हूं और आप मरने के लिए तुम तैयार हो जाना अगर मेरे आप क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो अबाउट माई आंसर्स आर प्रिपेयर योर हाईनेस बट द आंसर मे ब्रिंग डिस प्लेजर योर मेजेस्टी दैट्स वाई आई आस्क फॉर द प्रोटेक्शन इन एडवांस तो अबॉट बोलता है अबॉट क्या बोलता है कि मेरे आंसर तैयार है हाइनेस राजा जी मेरे आंसर रेडी हैं और मेरे आंसर जब मैं आपको दूंगा तो ऐसा ना हो कि कहीं भी किसी भी तरीके से मैजेस्टी वो डिसप्लेजर लगे ठीक है डिस्प्लेजर लेकर आए हमारी सभा के अंदर तो मैं उसके लिए आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा एडवांस में ही किंग उसको क्या बोलता है दैट इज नॉट द इशू उसका कोई इशू नहीं है लेकिन आपको आंसर देने हैं आई बियर द थिंग्स इन माई माइंड नाउ आंसर हाउ मच एम आई वर्थ एक्यूरेटली तो इसको मैं दिमाग में रखूंगा अगर आप आंसर सही से देना तो कोई दिक्कत नहीं है तो आप बताइए कि मेरी वर्थ एक्यूरेटली कितनी है फर्स्ट क्वेश्चन था ना ये उसका वही उन्होंने पूछा एबॉर्ड बोलता है यू एग्जैक्टली वर्थ ट्वेंटी फाइव शीलिंग्स अब वो अबॉट ने क्या आंसर दिया कि जो आपकी वर्थ है वो एग्जैक्ट कितनी है ट्वेंटी फाइव शिलिंग्स शिलिंग्स क्या बेटा यहाँ पे शिलिंग्स मतलब होता है इट्स अ करेंसी ओके तो ये करेंसी है एक तरह की जैसे हमारे इंडिया के अंदर रुपीज होता है तो ऐसे ही शिलिंग्स एक करेंसी किंग यू आर इंसल्टिंग मी अबॉट तो वो बोलता है कि अबॉट अबॉट क्या बोलता है अबॉट तुम तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो हाउ कैन अ किंग लाइक मी वर्थ ट्वेंटी फाइव शिलिंग्स ओनली हैव यू गॉन मैट Do you want to die before answering the rest of the questions? तो बोलता है राजा क्या सिर्फ मैं राजा होते हुए सिर्फ मेरी ट्वेंटी फाइव शीलिंग्स ही है मेरी वर्थ पागल हो गए हो हुग क्या ऐसे बोलता है वो थोड़ा सा ना क्योंकि राजा को गुस्सा आ गया वो इस तरह से बोलता है क्या मेरी सिर्फ ट्वेंटी फाइव शीलिंग्स ही है तो इतन, उसको गुस्सा आते हुए वो उस तरह से रिएक्ट कर रहा है और कहता है क्या तुम और आंसर देना ही नहीं चाहते उससे पहले ही मरना चाहते हो क्या अबॉर्ड I am not insulting. Sir, I have not insulted your highness. You are a matter of respect to me. A crown is worth 5 shillings, and sovereign is a proud, which is 20 shillings. So, a sovereign with a crown should be 25 shillings only. देखिए कितना अच्छा आंसर दिया बोर्ड ने बोला हाइनस मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि जो ये आपने क्राउन को वियर किया हुआ है ये क्राउन आपका फाइव शिलिंग्स का है और ये आपका क्या है आपकी सॉवरिटी को दिखाता है आपको प्राउड फील कराता है तो ये आपका ट्वेंटी फाइव शिलिंग्स जो है इसको शो कर रहा है इसलिए इसकी जो वर्थ है वो ट्वेंटी फाइव शीलिंग्स ही है तो यही आपकी सोवरेनिटी को है और यही प्राउड दिखाता है तो इसलिए आपकी वर्थ उतनी ही है किंग स्माइल्ड एट दिस रिप्लाई एंड होल कोर्ट डिड द सेम तो अब किंग ने क्या किया बड़ा अच्छे से मुस्कुराते हुए आराम से रिप्लाई किया और ने उसके लिए अप्रिशिएट भी किया किंग बोलते हैं नेक्स्ट वेल डन अबाउट वेरी इंटेलिजेंट आंसर माय सेकंड क्वेश्चन हाउ लॉन्ग वुड आई टेक टू राइड अराउंड द अर्थ तो आप राजा के फर्स्ट क्वेश्चन से तो आंसर से बहुत सेटिस्फाई हो गया और वो बड़ा खुश है तो इस तरह से उसकी इंटेलिजेंट को वो अप्रिशिएट भी करता है और बोलता है अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हाउ लॉन्ग वुड आई टेक द राइड अराउंड द अर्थ कि पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में मुझे कितना टाइम लगेगा अबाउट बोलता है जस्ट ट्वेंटी फोर आवर्स तो बोलता है सिर्फ सर 24 फोर आवर्स राजा जी आपको इतना टाइम लगेगा पूरी अर्थ का राउंड लगाने के लिए किंग बोलता है डू यू थिंक दैट आई विल ब्लाइंडली बिलीव ऑन योर आंसर क्या तुम ऐसा सोचते हो कि मैं अंधा होकर तुम्हारे आंसर का जो विश्वास कर लू तुम्हारा जो आपने आंसर बोला है उस पर मैं विश्वास कर लू अब बोलता है ऑफकोर्स योर मेजिस्टी हां सर इफ यूर हाईनेस कंपीट्स विद द सन एंड मूव एज फास्ट एज द सन हाइनस कैन ईजिली राइड अराउंड द अर्थ इन ट्वेंटी फोर आवर्स ओनली अगर आपकी स्पीड हाइनस को बोलता है वो अगर आपकी स्पीड सन से कंपेट करेगी और सन के अकॉर्डिंग मूव करेगी तो हाइनस आप इजीली 24 फोर आवर्स के अंदर पूरी अर्थ का राउंड लगा सकते हैं किंग बोलता है ब्रेवो अबॉट तो उसको फिर शाबाशी देता है कि रियली में तुमने बहुत इंटेलिजेंट और ब्रेव इतना अच्छा आंसर मुझे दिया है आई नो दैट दिस कैन नॉट बी डन बट आई विश आई कुड मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहूँगा नो बी प्रिपेयर टू आंसर माई थर्ड क्वेश्चन चलो अब मेरे थर्ड आंसर का देने के लिए तैयार हो जाओ वोइंग ऑन इन माई माइंड इन दिस मोमेंट तो बताइए अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अबॉट बोलता है एट दिस मोमेंट यू थिंक आई एम अबॉट ऑफ कैंटाबरी तो आप अभी ये सोच रहे हो क्या मैं कैंटाबरी का अबॉट हूं किंग बोलता है दैट इज मार्वलेस ये तो बहुत अच्छा है यू आर राइट अबाउट तो वो एकदम हैरान होकर बोलता है अमेजिंग मतलब मार्वलस हो गया कि आपने इस चीज को भी पहचान लिया कि आप यही सोच रहे हो तो आई अप्रीशिएट योर आंसर और मैं आपके आंसर को अप्रीशिएट करता हूँ यू आर रियली लर्न एंड वाइज रियली में तुम बहुत एक बुद्धिमान और सीखे हुए इंसान हो अबॉट बोलता है बट यू आर थिंकिंग रोंग लेकिन आप अभी भी गलत सोच रहे हो आई एम अ शेफर्ड मैं एक शेफर्ड हूँ एक चरवा हूँ नॉट द अबॉट ऑफ कैंटाबरी मैं कैंटाबरी का अबॉट नहीं हूँ प्लेस ऑफ माय मास्टर इन अदर वर्ड्स आई एम सर्विंग माय मास्टर तो दूसरे शब्दों में मतलब मैं अपने मास्टर के लिए ही पूरा सर्व करने के लिए तैयार हूँ किंग बोलता है ओ दैट्स अगेन डिलाइटिंग हाउ मैनी ऑफ अस हैव सच है लॉयल सर्वेंट आस्क वट यू वॉन्ट फ्रॉम मी तो राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है ऐसा तो बहुत कम होते हैं जो इतने लॉयल सर्वेंट होते हैं जो अपने मास्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएं तो शैफर बोलता है आई अपोलोजाइज इन सेक ऑफ माई मास्टर सर मैंने अपने मास्टर के लिए जो किया तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ किंग बोलता है ग्रांटेड टेल योर मास्टर दैट ही इज़ फ्री टू लिव इन द किंगडम और वो उसको माफ करके बोलता है कि अब अपने मास्टर को जाके बताना मैंने उनको फ्री कर दिया है और वो किंगडम में आराम से रह से सकते हैं तो इस तरह से कन्वर्सेशन के बीच है ना पूरी स्टोरी हमने कैसे पढ़ी एक शेफर्ड के बीच में किंग के बीच में बॉर्ड के बीच में तो ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था तो आई होप बच्चों आप ये कन्वर्सेशन दोबारा से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग